ऐसा होता है भाई? अरे घबराओ नहीं, वो तो होगा ही, क्रिकेटर जो आ रहा है। आपको पता है हम चारों में कुछ चीजें एक समान हैं। इन दोनों के बच्चे इसी अस्पताल में हुए थे और हमारे बच्चे भी इसी अस्पताल में जन्म लेंगे। इससे बढ़कर भी कुछ समानता है हम चारों में, मन की शांति और इस बात की तसल्ली कि हम सुरक्षित हाथों में हैं। मुझे कहा गया है कि मैं अपनी बहू सुशीला को वो सब कुछ करने दूं जो उसे गर्भावस्था में करने की इच्छा होती है। मैं नियमित रूप से उसके डॉक्टरों से बातचीत करती रहती हूँ। मैं हमेशा ख्याल रखती हूँ कि वो डॉक्टरों की दी हुई दवाइयाँ समय पे ले और पौष्टिक खाना खाए। और हाँ, गर्भावस्था के अंतिम दिनों में इम्यूनाइजेशन बहुत जरूरी है। सुशीला ने अपनी इम्यूनाइजेशन की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। मुझे कहा गया है कि मैं अपने आप को टेंशन मुक्त रखूं और इन्फेक्शन से दूर रहूं। पौष्टिकता के बारे में भी ध्यान रखने के लिए कहा गया है। नियमित रूप से चेकअप, बीपी मॉनिटरिंग, ब्लड टेस्ट करवाने और हाँ, विशेषज्ञों से सलाह लेने के लिए भी कहा गया है। और हाँ, मेरी माँ अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखती है ताकि वो मेरा ख्याल रख सके। डॉक्टर ने मुझे डिलीवरी की तारीख भी बता दी है। हम हर चिंता से मुक्त हैं क्योंकि TMH में हमारे बच्चे की अच्छी से अच्छी देखभाल होगी। और हाँ, डॉक्टर ने मुझे पेनलेस लेबर की चॉइस भी दी है। उम्र के साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियां कमजोर होना, कई तरह के कैंसर और दूसरी कितनी ही समस्याएं आ जाती हैं। अकेलापन तो होता ही है। मैं नियमित टेस्ट और स्क्रीनिंग्स के लिए TMH आती हूँ और जरूरत पड़ने पर फौरन डॉक्टर की सलाह लेती हूँ। औरत होने के नाते मुझे सर्वाइकल कैंसर और स्तन कैंसर के बारे में सचेत रहना चाहिए और हम सभी औरतों को एक बहुत महत्वपूर्ण दौर के बारे में जानकारी रखना चाहिए, वो है मेनोपॉज। अपने आप से प्यार करो, ये TMH है, इसलिए हमें किसी भी प्रकार की मेडिकल जरूरत पड़ने पर फौरन डॉक्टर की सलाह और मदद मिलती है। टाटा मेन हॉस्पिटल, आपके परिवार का साथी।